हाय, मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और आज हम जा रहे हैं भुसावल टू जलगांव। वहाँ टाटा कंपनी का जूडियो शोरूम खुला हुआ है नया। वही जूडियो का शोरूम आज आपको हम दिखाएंगे। उसके बारे में बहुत सुना है कि थोड़ा सा रेडीमेड कपड़ा जो है, रेडीमेड ड्रेस बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए सस्ती मिलती है, वो थोड़ा सुना है। तो आज छुट्टी है और छुट्टी के दिन हम थोड़ा सा जा रहे हैं। यहाँ से करीबन 27-28 किलोमीटर। और आप बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, आरपीडी रोड से होते हुए अभी जाएंगे यावल नाका। और यावल नाका से सीधा जो भैया निकल जाएंगे हाईवे नंबर 53 के ऊपर, और 53 के ऊपर निकलने के बाद हम सीधा जो है जलगांव जाएंगे। और ये जलगांव का जो जूडियो शोरूम खुला हुआ है वो रोड पर ही है, मतलब आपको अंदर सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसके पहले जलगांव गए थे तो देखा था। लिम्पस क्लब होके ये आरपीडी रोड से सीधा जो है हम यावल नाका पहुँचेंगे। और यावल नाका से सीधा ये रोड जाता है जलगांव की तरफ, हाईवे नंबर 53 की तरफ। तो उसी रोड के तरफ हम जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम अभी हाईवे नंबर 53 चढ़ने वाले हैं। ब्रिज के नीचे से हमें निकलना है और फिर सर्विस रोड पकड़ के सीधा जो है हम इस ट्रक के पीछे पीछे ही जाएंगे। ब्रिज के नीचे से अब हम निकल रहे हैं और यहाँ से राइट मार के सर्विस रोड से सीधा भाई हम पहुंच जाएंगे NH 53 जो जलगांव की तरफ जाता है। और जलगांव आता है यहाँ से 24 किलोमीटर दूर, आगे 3 किलोमीटर दूर पर है वागूर रिवर, वागूर नदी। हो गया भाई ये हाईवे नंबर 53 खत्म। ये अभी जलगांव के बाहर से निकला है लेकिन ये ब्रिज का काम चल रहा है। तो भैया ये पुराना जो हाईवे नंबर 6 है, उसी पुराने हाईवे नंबर 6 से हमें जलगांव जाना पड़ेगा। यहाँ से करीबन वो आता है 5-7 किलोमीटर दूरी पर। और जैसे ये हाईवे बनेगा तो जिसको धुलिया जाना है, मुंबई जाना है, नासिक जाना है, तो जलगांव के बाहर से ये पूरा हाईवे जाने वाला है। तो सीधा सीधा जलगांव के बाहर से ये हाईवे नंबर 53 निकलेगा। सकते हैं जूडियो, और जूडियो के सामने हमने कर दिया है कार पार्किंग। आपको दिख रहा है ये जूडियो, और इसी शोरूम में जो है अभी हम जाने वाले हैं। शोरूम के अंदर जाते ही हम थोड़ा लेडीज सेक्शन की तरफ गए हैं, क्योंकि मेरे मिसेस को मेरे बच्चे के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदना था, तो वही हम देख रहे थे। बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस जूडियो में आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखिए 399 से लेकर 700 या 1000 तक अच्छे अच्छे
टॉप लेडीज़ वाले आपको मिल जाएंगे। जूते भी आपको 399 से लेकर 700 तक के लेडीज़ और जेंट्स के जूते और चप्पल भी अच्छे क्वालिटी के आपको जूडियो में आसानी से मिल जाएंगे। अलग अलग वैरायटी के जूते, अलग अलग वैरायटी के ड्रेस हमें यहाँ देखे, हमने थोड़ी बार जो हमें अच्छे लगे उसकी थोड़ी परचेसिंग भी की। बहुत भीड़ इस जूडियो में आजकल चल रही है। ये देखिए 499 के ड्रेसेस 5 से 14 ईयर के बच्चे के लिए यह आपको मिलते हैं। और ये देख सकते हैं सारी भीड़ी भीड़ इस जूडियो के शोरूम में लगी हुई है। जींस पैंट भी आप 799 से लेके 1000 तक अच्छे से अच्छा खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए जूडियो में। हो सकता है अगर आपके पसंद का कोई ड्रेस आपको मिल गया तो आप ज़रूर उसे ख़रीदेंगे। ख़ास करके हमने देखा कि लेडीज़ ज़्यादातर आई हुई थी, क्योंकि लेडीज सेक्शन में ज़्यादा भीड़ हमें दिखी। बहुत सारे जेंट्स भी यहाँ आए थे, वो अपने अपने तरीके से अपने लिए कपड़े खरीद रहे थे। कुछ लोग जूते खरीद रहे थे, कुछ लोग चप्पल खरीद रहे थे, कुछ लोग ड्रेस खरीद रहे थे, तो कुछ लोग अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटी के कपड़े यहाँ खरीदते हुए हमें देखे। हमने भी कुछ बच्चों के लिए घर के लिए शॉपिंग की और वही जूडियो के अंदर का नज़ारा हम इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप ज़रूर जलगांव जाकर जूडियो के शोरूम में विजिट कर सकते हैं भाई। अगर आपको अच्छे कपड़े लगे तो ज़रूर यहाँ खरीद सकते हैं। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कपड़े खरीदने के बाद में आपको यहाँ थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंटर शुरू होने थे वो काउंटर हमें शुरू दिखे नहीं। एक या दो ही काउंटर चालू दिखे, तो बहुत सारे लोग 15-15, 20-20 मिनट तक लाइन में खड़े हुए हमें दिखे, क्योंकि भीड़ ही बहुत सारी भीड़ थी। यहाँ आपको 299 से लेकर 1000 रुपये के रेंज में अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े ज़रूर मिल सकते हैं, जूते मिल सकते हैं, लेडीज़ के ड्रेस मिल सकते हैं, और ख़ास करके बच्चों के लिए भी अलग अलग टाइप के सेक्शन यहाँ रखे हुए थे। ये देख सकते हैं बॉयज़ के लिए 399 से शुरुआत से 299 शुरुआत से भी कपड़े हमें यहाँ देखे। और ये देखिए जूडियो में जो है लाइन लगी हुई है कपड़े ख़रीदने के बाद बिल बनाने के लिए। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको जूडियो वाला अच्छा लगा तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर अच्छा भी नहीं लगा तो आप मेरे इस ब्लॉग को जो है अनलाइक भी कर सकते हैं। आपने ये मेरा पूरा ब्लॉग देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।